ये मेरी गाड़ी जो है ये खुद आप नंबर टाइप कीजिए, मेरा नाम मिलेगा आशीष करण, ये खुद ऑन कैश लिए सर, फाइनेंस नहीं है, आपको आरसी बुक में दिख जाएगा सर। देख रहे हैं भैया, सुन रहे ना आप, हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है ऑरेंज सिटी नागपुर। इसी नागपुर में एक तहसील है कामठी, और इसी कामठी में एक छोटा सा गांव गुमथला है। आज इसी गुमथला गांव के माटी में जन्मे, पले बढ़े, खेले कूदे और अपने जिंदगी में चार चांद लगाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग को करके जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, आपका नाम आशीष भैयालाल करण है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कक्षा चार तक की आपने पढ़ाई करी, और कक्षा चार पढ़ने के बाद अपने जीवन में कई सारे कामों को आपने अंजाम दिया। बहुत बार आप पैसा कमाने की दुनिया में उठा पटक मचा रहा आपके जीवन में, और फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक साल पहले मिला, कैसा लग रहा आपको? बहुत जबरदस्त सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, क्योंकि मैं एक साल, मुझे आज तकरीबन हो रहा है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ मैं, और इसको देने वाले मेरे ग्रेट मेंटर शुभम सहारे सर है, उनके लिए मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो शायद ही हर किसी को मिले, मिलते तो बहुत जनों को है लेकिन कर नहीं पाते सर। करने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि इसमें टिके रहना, इसमें स्पेशेंस है, स्पेशेंस के साथ में इसको करना। करने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखिए आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो सर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में इसमें कोई भी इंसान हिट होता नहीं है। कम से कम कोई भी बिजनेस में 5 साल आपको 100% देना पड़ता है। आप जब तक के 5 साल दोगे नहीं, कोई भी चीज में आप हिट होंगे नहीं। आप स्कूल में भी जाते हो तो सर आप नर्सरी से KG 1, KG 2, KG 3, KG 4, KG 5 में जब जाते हो तब आपको पेन पकड़ना और लिखना आता है सर। आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लोग आने के बाद में बोलते हैं कि साला 1 साल में लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो सर ये पॉसिबल नहीं है, अनपॉसिबल है। इसी के साथ में सर ये दुनिया क्या कर रही है इसके पीछे मत भागो, आप क्या कर रहे हो इसके पीछे भागो। दुनिया में तो बहुत से लोग है जो आज कंपनी में आने के बाद में छोड़ के चले जाते और नेटवर्क को बदनाम करते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो धंधा है सर, इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है, साफ पाक धंधा है सर। आप मुझे पैसा देते हो, आपको मैं प्रोडक्ट देता हूँ, इसको क्या चैन सिस्टम बोला जाता है सर? कोई चैन सिस्टम नहीं है। आप एक किराना दुकान से जो प्रोडक्ट ले रहे हो वही हमारे कंपनी के पास में, वही आप लोगों को दे रहे हैं और वो आप लोग हमको पैसा दे रहे हो। आज जो भी इंसान प्रोडक्ट यूज करता है, 20 से आज मेरी साल 32 साल की उम्र है सर, मैं 32 साल से सर कोई भी प्रोडक्ट, एक साबुन भी यूज कर रहा सर, उसका 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैं 1 साल से यहाँ से इस बिजनेस से जो 1 साल से प्रोडक्ट अपने घर में यूज कर रहा हूँ वहां से मैं लाखों रुपए अर्न किया हूँ सर। ये हकीकत है और रियल है सर। जो इंसान इसको समझेगा वो जाएगा, आने वाला जो फ्यूचर है सभी सब ऑल टोटल सभी को डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का ये समझना पड़ेगा। आज फ्लिपकार्ट अमेजोन में सर साबुन बिक रही है, तेल बिक रहा है, टमाटर आलू प्याज बिक रहा है, तो सर आने वाले समय में फ्यूचर में जब सब्जी की दुकान वाला सब्जी नहीं लगाएगा आपको, जब आपके घर में सब डायरेक्ट सेलिंग से आएगा, तो आप तब क्या करोगे सर? क्या बात है, बिल्कुल। तब आपके पास में ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी के लिए आप लोगों के पास में अभी भी वक्त है, समय है, समझ जाइए। 2025 तक एक सर्वे हुआ, मेरा एजुकेशन 4th क्लास है, मैं ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझ में आता है, थोड़ा न्यूज मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ। आने वाले 2025 तक ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री 65 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। उसी के साथ में हर इंसान को आज टाइम है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सही में सर मुझे ज्वाइन करना है करके आप पीछे दौड़ोगे, लेकिन वो टाइम बहुत पीछे चले जाएगा। आपके पास आज टाइम है, आइए, आप लोगों का वेलकम है। मैं आशीष करण आप लोगों को सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 1 साल के अंदर, 1 साल की जर्नी में आपने एक प्यारी सी चमचमाती ये कार आपने ले ली। यस सर, ये तो बड़ी अचीवमेंट है। यस सर, लोगों को तो मैं देखता हूँ कि लोग सरकारी नौकरी में धू धू करके परेशान है, लगे हैं, दिन रात लगे हैं। यस, एक कक्षा 4 पढ़ा लिखा इंसान आज लाखों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से कमा रहा है,
कभी आपको अब पछतावा होता है कि यार मैंने पढ़ाई ना करके गलती करी, या फिर आपको खुशी होती चलो अच्छा हुआ कि कक्षा 4 तक ही मैं पढ़ा? नहीं सर, मेरा एजुकेशन देखो 4th क्लास है और मैं अपने आप को खुद बहुत अच्छा मानता हूँ। उसका रीजन सबसे बड़ा एक है सर, मेरे खानदान में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं और सभी को सर सरकारी ड्यूटी है। लेकिन मैंने खुद देखा हूँ सर, जो इंसान 30 साल की ड्यूटी करने के बाद में खुद का घर बना रहा, जो इंसान 30 साल की ड्यूटी करने के बाद में खुद का घर बना रहा 20 लाख 25 लाख का, साला मैं यहाँ पे 5 साल के अंदर में 35 लाख का खुद के भरोसे बिजनेस के भरोसे घर बनाया, तो सर उनको वैल्यू है कि मेरे को वैल्यू है? क्या बात है, ये तो सबसे बड़ा रीजन है सर। तो सही बात है कि नहीं? उसके बाद घर बनाने के बाद सर, ये मेरी गाड़ी जो है ये खुद आप नंबर टाइप कीजिए, मेरा नाम मिलेगा आशीष करण, ये खुद ऑन कैश ली सर, फाइनेंस नहीं है, आपको RC बुक में दिख जाएगा सर। देख रहे भैया, सुन रहे ना आप, ताबक तोड़ बातचीत हो रही है एक ऐसे जबरदस्त कोहिनूर डायनेमिक पर्सनालिटी से। कक्षा 4 तक की पढ़ाई है और ना जाने कितने धंधे अपनी जिंदगी में बदले और जीवन में उठा पटक मचा रहा, और आज नेटवर्क मार्केटिंग की पनाह में आकर के अपने आप को महफूज मान रहे हैं। क्या आपका भविष्य अब यहाँ पे सुरक्षित है, या फिर अभी और भी आप जिंदगी में कई सारे काम बदलेंगे? नहीं सर, मैं अभी लास्ट जो मेरा काम है ये नेटवर्क मार्केटिंग का है, और इस बिजनेस में सर पैसा तो मैं कमाऊंगा 101%, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो रीजन रहेगा, आशीष करण यहाँ से आज बोल रहा है कि आशीष करण 4th क्लास पढ़ा हुआ है लेकिन अपनी बच्ची को 101% फॉरेन क्वालिटी में, फॉरेन के जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ाएंगा, ये आशीष करण यहाँ से अपना दावा कर रहा है सर। 100% आज लोग सोच रहे, हंस रहे होंगे, क्या बात कर रहे हैं ये भाई साहब, अभी चंद दिन चंद महीने चंद साल हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए, 1 साल, चलो हो सकता है बाय डिफॉल्ट गलती से आपने एक कार ले ली हो, लेकिन इतना बड़ा सपना आपने देख लिया कि बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे, क्या पॉसिबल है सच में? ये बिलीफ सिस्टम आपका कह रहा बार बार आप 100% सर, और ये करके दिखाऊंगा आने वाले 2026 में। आज मेरी लड़की 8th क्लास में है और आने वाले 2026 में आपको 101% में फॉरेन कंट्री में अपनी लड़की को पढ़ा के दिखाऊंगा, ये यहाँ से वादा करता हूँ सर, खुद से वादा है सर। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी ऐसी ताकत है, या नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी ऐसी जड़ी बूटी लोगों को दे देता है कि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आता है इसी का बन के रह जाता है? सर दुनिया में देखो ना, ये सीधा सिंपल है सर, अगर मेरी एक शॉप है, मैं शॉप लगा रहा हूँ, ओके, शॉप लगाने के बाद मैं जब तक के मैं शॉप में बैठा रहूंगा तब तक के मुझे पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जहाँ पे आप जाओगे, आपके नीचे जितने भी डाउनलाइन लोग हैं काम कर रहे, ओके, आप अलग अलग एरिया में जाके अपना काउंटर लगा सकते हो, ठीक है। एक डॉक्टरी का मैं एक एग्जांपल दूंगा, मुझे कुछ दिन पहले एक डॉक्टर मिले थे, उन्होंने बोले सर, बोले नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन सिस्टम है, लोगों को फंसाने और ठगाने वाला धंधा है। तो उनको सर मैंने कुछ बोला नहीं, उनको इतना ही पूछा, मैंने बोला सर आप डॉक्टर है? तो बोले जी मैं डॉक्टर हूँ। बोले मैंने बोला सर आप जो दवाखाने में जाते हो, वो दवाखाने में जाने के बाद में आपका जो ऑफिस होगा वहाँ ऑफिस में आप बैठते? तो सर बोले मैं ऑफिस में ही बैठता हूँ। मैंने बोला सर आपके नीचे कितने लोग हैं और कितने वर्कर लोग हैं और आपके जैसे कितने डॉक्टर वहाँ पे है, तो आप उनके हेड हो या उनके जूनियर हो? तो सर बोले मैं हेड हूँ और मेरे नीचे कम से कम 9 डॉक्टर है और बाकी के सब वर्कर लोग से। तो मैंने उनको पूछा सर, सर बोला आप जिस दिन दवाखाना नहीं जाते हो और आपके नीचे के जो 9 डॉक्टर लोग हैं, वो कोई पेशेंट आता है उसका ऑपरेशन करते हैं, तो सर उनको पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बोले सर मिलता है। और सर उसका जो आपको परसेंटेज है वो मिलता है कि नहीं मिलता है? सर बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, जब उनको परसेंटेज मिलेगा तो मेरे को 100% मिलेगा। तो मैंने भी तो यही बताया ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग भी तो वही है ना सर, यहाँ कौन सा फंसाने वाला धंधा होगा सर? एक एक कक्षा 4 का पढ़ा लिखा इंसान अपने जीवन के मकसद को समझ पाया, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ पाया, और आज इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 1 साल के अंदर जो इतिहास बना रहे हैं, कम बड़ी बात है क्या? यही तो पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ भैया, ऐसे लोगों को कार के साथ क्यों ला रहा हूँ पता है? ये जो प्लेट में आप नंबर देख रहे हैं ना, अपने एप्लीकेशन पे जाइए और सर्च करिए, और सर का नाम आशीष करण है, आप देखेंगे आपको ये कार सर के नाम से मिल जाएगी, कितनी बड़ी बात है। अच्छा एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग पढ़ोका लोग हैं, तुर्रम खान लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, लोग पास्ट तो पढ़ लिए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और ना जाने कितनी सभ्यताओं को लोगों ने खोद डाला,
लोगों की कब्रें खोद डाली लोगों ने, लेकिन लोग फ्यूचर नहीं देख पाए कि 5 साल बाद जिंदगी कहाँ जाने वाली है। और आप इसको महसूस कर लिए और आज इसी नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं। यस सर, क्या संदेश रहेगा अगर मराठी भाषा में आज लोगों की हेकड़ी निकालनी हो तो? फक्त एकच बोलना है, 5 वर्ष तुम्ही ज्याही बिझनेस मध्ये करता तिथून फक्त तुम्ही 2 टाइमचे जेवण करू शकता, पण ह्या बिझनेसची ताकद आहे, तुम्ही इथं फक्त 5 वर्ष द्या, ओनली 5 वर्ष। त्या 5 वर्षानंतर तुम्ही ह्या बिझनेसच्या माध्यमातून काय काय घेऊ शकता आणि तुमचे ड्रीम जे आहे ते पूर्ण होऊ शकते, ते तुम्ही इथे येऊन बघू शकता। 5 वर्ष फक्त तुम्ही इथे द्या, 1 ते 5 वर्ष देणं इथं आवश्यक आहे, कारण की कोणतंही शिक्षण तुम्ही करता तर 5 वर्ष त्याला 101% दिलं पाहिजे। हेच बोलू बस, थँक्यू सर। तो भैया देख रहे हैं, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। यस सर। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महाराष्ट्र की धरती से हो, यस, आपके कामटी इलाके से हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, अगर कोई व्यक्ति आशीष करण सर के साथ आना चाहे, बिजनेस करना चाहे, यस सर, क्या वो भी आपके जैसे कार, आपके जैसे सपने पूरे कर सकता है? यस सर, 101% करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी साथ लोग काम करते हैं, मैं अपने लिए काम नहीं करता सर। इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक फंडा है, आप अपने लिए मत भागिए, अपने डाउनलाइन के लिए भागिए, आपको ऑटोमेटिक करनी होगी सर। आप जिस किसी को भी मेरे साथ में काम करना है, आप सभी लोगों का वेलकम करता है आशीष करण। थैंक यू सर। एक एक कक्षा 4 पढ़ा लिखा इंसान, क्या आपके साथ कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे एजुकेटेड शिक्षित सरकारी नौकरी वाले लोग हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी डाउनलाइन में, आपकी टीम में आपके साथ लगकर काम कर रहे हैं? यस सर, मेरे पास में एक मेडिकल फील्ड से है, वो प्रॉपरली मराठवाड़ा से रहते हैं, और ऑलरेडी उनका जो जॉब है, जॉब बोले तो मैं आपको बताऊंगा, जो मेडिसिन रहती है वो मेडिसिन को हर गांव में जा जाके वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसा इंसान भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर उनको जब मैं प्रोडक्ट दिखाया था, वो प्रोडक्ट जो था वो इतना पावरफुल लगा उनको, क्योंकि मेडिसिन का उनको नॉलेज होने के बाद में वो इंसान जब मेरे साथ में 4th क्लास पढ़े इंसान के साथ में जब वो डॉक्टर आज मेरे साथ जुड़ के काम कर रहा सर, तो 101% सर काम करेंगे सर, बहुत जबरदस्त सर। तो भैया देख रहे हैं, आज मौजूद हूँ महाराष्ट्र के ऑरेंज सिटी नागपुर के एक ऐसे गांव में, एक ऐसे शहर में, जहाँ पे आप देख रहे हैं माटी से जुड़े इस इंसान को आप देख पा रहे हैं। कक्षा 4 पास, पता नहीं पास हैं कि नहीं पास हैं, पढ़े भी हैं ढंग से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जिंदगी में उठा पटक बहुत इनके मचा रहा और नेटवर्क मार्केटिंग इनकी जिंदगी में आया, कोई इंसान मसीहा बन के आया और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा और अपनी जिंदगी में आज 4 चांद लगा रहे हैं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं और सर से बातचीत करके कॉल करें और बिजनेस को एसोसिएट करके अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर।